जगह छापा मार के जावा नहीं का एक पहली यात्री आवा नहीं तो पहले सिंगल छापा मार के जा आपका हाथ को और अठू मान्यता मान के जा गोगो जी ने मतलब गोगो जी मन्नत मांग के जाके हमारे मतलब जोड़ो बन जाए और जो मैं डबल आ गया डबल छापा मार के जावा एक छापा मारे दूसरा भी मिल गया। हाँ, राम राम साहब मैं थर्ड देशी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो झलको चुरू। आज आप गोगा जी की जन्म स्थली है बड़ा आप पूछे हाँ आज की जगह एन बने जावे मैन मुख्य बाकी अटैक जी पुजारी है बहुत अपना जानने की कोशिश करा के कितनी दूर तक श्रद्धालु आवे और की मान्यता है कितने टाइम हुए है लोग आए और किया हूँ प्रेजेंट में अब अठे को सिस्टम है वो चले तो कुछ दर्शक ऊपर को दृश्य कभी देखे डो को नहीं तो ऊपर देख लो किशो दिखे करे ईशो दिखे लगभग बाकी मूवमेंट छात है भाई छात है और निर्माण कार्य है वो लगातार चलते जा रही है क्योंकि समय साथ है जी की ईंट भाठा पुराना लगेड़ा हुआ है वह जर्जर होबो करे तो टाइमली बाने बदलना भी पड़े और प्रेजेंट टाइम के अंदर बैठे टाइला वगैरह ऊपर लगाई है और यो गुबंद है वो मंदिर के ऊपर हर मंदिर जी यहाँ राजस्थान में जवानी हर मंदिर के ऊपर मिले है गुमन जी मंदिर ऊपर गुमन जरूर है लेकिन अठा खिड़की सी है तो खिड़की से जी मायने जी कपड़ा कपड़ा गोगो जी ने पहरावा नहीं नई साल ने या फिर जो मेड़ो मंडे पे मायने मेड़े मायने जी पहनावा नहीं पुराना कपड़ा नहीं बैठे मेल दे ले आगे जहाँ खतरा खिड़की सी वगैरह बनाई और सामान देखो देख सको थे वो पड़े है और अठे ले आगे मतलब गिर दे श्रद्धालु वगैरह खड़खड़ता ही आ जाए बैठे अठे यूपी का बिहार का पंजाब का और राजस्थान का विशेषकर यूपी का ज्यादा है यूपी और पंजाब का सगड़ा ज्यादा है जो भादो मेलो भरा बहुत ही बड़ो मेलो भरा जब 4-5 लाख यात्री करीबन अठावा है और अब की बार कोरोना वायरस की वजह मतलब मेलो कौन भरे मंदिर को जो गुम्बज है मैं मौजूद हूँ ऊपर और बैंक अंदर खिड़की टाइप कमरे टाइप में रूम टाइप में बना रखे जिठे बतावा कि मैं सामान वगैरह रख दिया तो अठे एक घोड़ो रख रखे है और अठे एक सांप की प्रतिमा है बाकी मुख्य मंदिर है जिको नीचे है तो जिको गोगा जी को स्थान है वह जिको गोरख टिल्लो है वो काफी दूरी पर है गोरख टिल्ला जी का मंदिर है बाई गुम्बज है वह आठों दिख के तो अठे आ एक त्रिशूल है जी की कोई भगत हो बेंगी चदैडी है और काफी हाइट है जी की काफी लंबी है लगभग अठे व्यक्ति है जी का वह बता रहे हैं कि शिव जी का भक्त और वह आ त्रिशूल है वह चढ़ा गया और लगभग इन्हें 10 साल पुरानी है आप बताई जा रही है कि तो वो जाल है मुमन हट बतावा है कि जब भादो महीनों चले तो लोग सांप वगैरह से निकले तो इन जाल के अंदर सांप छोड़ देवे बताया जावे कि लगभग 2-4 मिनट के अंदर ही या 5 मिनट बाद में वो सांप ऐड हूँ किन्ने निकल जाए आप पता कौन चाले मतलब अठों वो गायब हो जाए मान्यता अठे की आए और गाँव का लोग गए काफ़ी ये जाल के ऊपर मन्नता मांगे तो भी मैं दिखाना चाहूँगा अठे वो पूरा जाल है काफ़ी पुराना जाल है और एक पेड़ है और अब जो नयो निर्माण करियो तो भी पेड़ ने रख दियो और साइड में टाइला वगैरह अब नव निर्माण के अंदर लगाई गई है और आवे जो लोग मन्नता मांगे तो धागा इतनी ज़्यादा मन्नता है कि लाखा माडे धागा इन मंदिर है ये जालगो एक रहस्य वो बताया जावे कि जब गोगो जी जन्म लियो और गोगो जी होया करता बे टाइम में वो जाल जदगो ही मौजूद है तो एक रहस्य में ही बात आठी है कि वो बे टाइम को फिर अंदाजो लगा सको कि वो कितो ज़्यादा पुराना है गोगा जी की ये जन्म स्थान के जी इनका जन्म है 1330 का विक्रम संवत और 1352 में गोगा जी ने समाधि ली गोगा मेड़ी गद्दी पर और 1392 में ली समाधि गोगा मेड़ी में तीन जन्म है इनका 1330 को जन्म है 1352 में गद्दी पर बैठे और 1392 में गोगा जी गोगा मेड़ी जी जिला गंगानगर के हनुमानगढ़ अंदर है समाधि ली पीढ़ी दर पीढ़ी से वक्त तैयारी हर स्टेट का यहाँ मेला भरता है यूपी पंजाब बंगाल बिहार उड़ीसा तमिलनाडु 2 महीना मेला भरता है हर श्रद्धालु आपकी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। अच्छा थोड़ी देर में पहले बच्चों बात कर रहे आज बता रहे कैसे कि आ मूर्ति है आज यहाँ जमीन निकली है या जो कि बीच की मूर्ति था बताइए बीच की ऑटोमेटिक है साइड ये लगाई हुई मूर्ति है जी और बा एक वो एक जो है जेठा अपने गोगा जी ने सिर काटे अर्जन सर्जन के खुडी गाँव है 9 किलो बा मूर्ति ओरिजिनल लिख लेडी है एक लेख ओरिजिनल एक शिवलिंग है 4 चीज और जी ऑटोमेटिक इस गाँव में गदरे मंदिर के अंदर ओरिजिनल कोई हड़ वगैरह पुराने टाइम में निकलती है ऑटोमेटिक बहुत टाइम परचो दियो पहले भगतान जी खिराज भगतो पहले बान परचो दियो भी मारा कोई पीढ़ी दर पीढ़ी भगता बुढ़िया मार तो याद को नहीं कौरे मेरी मूर्ति निकले जन्म स्थान वही आप मूर्ति बीच की ओरिजिनल है जी गोगा जी हाथ लगाओ का महसूस हुआ घटता है कैसे हाथ लगाए देखो देखो फूटी हुई आगे देखो तो एम जी आप चिकनाई आ रही है तो घी या चिकनाई जी घी तो श्रद्धालु घी लिया कोई चंदन लिया चूरा लिया बराबर लगातार शाम सुबह सेवा हुआ ये चिकनाई की वजह से रंग सिर कटे जूरे निकली पेड़ के परने पास शिवलिंग एक यो लेख एक ये अर्जुन सर ये 3 मूर्ति ओरिजिनल एक बार बीच की 4 चीज ओरिजिनल है जो देखने लायक सिर काटा गोगा जी ने अर्जुन सर्जन बाकी और मेरी पहचान है बोले और भी मेरी मूर्ति निकले सिर काट गया बाकी दो ही है और तो बाकी बनाई जो लिखते रहे की अर्जुन सर्जन की लिखे डो लेख समझ में उर्दू भाषा है थे देख लो थार समझ में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं मोडी भाषा कह दे उर्दू भाषा कह दे राजा जयवर सिंह ने पुत्र
और गुरु गोरखनाथ जी से 12 साल तपस्या करी ददरे गांव के अंदर जदिया जार वीर के जी फल मिला बंग बाद मोर जन्म होयो अंदर इतिहास तो ये। अच्छा इतिहास में ये बताया जावे कि मतलब पहली बांगे कई दिन ताई पुत्र होयो को आनी पुत्री रही जी 12 साल बाद में पुत्र होयो हजारों साल या 5 साल जो भी साल रही बंग बाद में ददरे गांव मोर सेवा करी माता बसल और गुरु गोरखनाथ यानी 24 साल रात दिन जदरू ददरे गांव में ये फल मिला बंग या मूर्ति निकली जी बेसकी गोगा जी। अच्छा बे में भी ये बताया जावे जी मान लियो के बे पूजा कर ली और फिर जिया गोरखनाथ जी बन कह दियो भी तेरे टबरो जाओगा बात तो फल दिया जी फल के हिसाब से होगा जी। अच्छा। कहीं सेव दे दे कहीं जो दे दे कहीं श्रवण मंत्र दे दे बंग हिसाब से हो गोरखनाथ जी मंत्रों से नहीं बंग हो या फिर बताया जावे कि जिया बे दूसरे ने देज गई है इसको दूसरे तो ये कासल बासल ने दो दिया अर्जुन सर्जन होया। अच्छा ये तवरंग है और ये चुवारंग है वेस्ट बंगाल में गाँव में दीपानगर आया बताया कोई कलियम देवता है मारवाड़ी भाषा में लेकिन जन्म 1330 हुए गोगा जी को जन्म ये तो इतिहास पक्का अपने लिखित है गोरखनाथ जत भाई भक्ति से ये के बाघ हरिया भरा है जी जो आपने 1300 किला बता कोई 1300 बीघा बता गो टिल्ले धोने के आसपास मिठड़ी रोड पर। अच्छा अच्छा एक जो माटा गो जो माता को मटको फूटे दूध गो मट्टी भी चिकनी हुआ जो लोग ये यात्री ले जाए जहाँ सांप खाएड़ आए कोई भी हरी बीमारी हो वैसे लगाओ पिए ठीक हो मनोकामना पूर्ण हो। अच्छा आज थोड़ा सा टाइम है वो चेंज हो गया टेक्नोलॉजी ज़्यादा टाइम टेक्नोलॉजी लोग फिर भी मान्यता है जगह मानने वाले लोग आज भी मान कहीं नहीं माने नहीं भी लेकिन मानने बेंगे लिए फायदा है। अच्छा जी का जी आप मटेरियल थे बता रहे हो तो रियल में सही हुआ रियल में सही हुआ जी अभी भी आप अभी से आइडिया मारगा में किता भी साफ खड़े मट्टी भी लगाओ झाड़ा भी लगाओ आज तक कोई मरियो कौन मेरे मंदिर में दद रहे। अच्छा एक गांव का लोग सांप वगैरह भी पकड़ लिए पकड़ के लिया पकड़ेंगे नाम से पकड़े रास्ते खा कौन खा जी गुरु मंदिर में लिया आज तक ठीक हो जी मंदिर के अंदर चाहे कोई पकड़ लो किसी जाति को कोई कौन खा कर नहीं। अच्छा एक में एक जहाँ बंडी हुए बंडी बाहर मंदिर में भी कौन खा बंडी है शख्स मंदिर में कौन खा बारह खास कर। अच्छा आज नहीं अटपकड़ भी ले हाँ ये लोग पकड़ी एक बाणिया का पौन साढ़े का कालबेलिया मेरे जाति का पुनिया जाति का नाथ पकड़े लेकिन मंदिर में तो किसी साहब पकड़ लो किसी टाइम थारे कोई दिक्कत को नहीं आओ मंदिर खा तो का भभूति लगाओ महाराज की 3 दिन बाद में डेरों से राज जगाओ ठीक है कंप्लीट गारंटी कोई डॉक्टर दवाई लेने की जरूरत नहीं। अच्छा जी वो बारलो निर्माण बाद में बारलो में जो तो पुरानी हो तो वहाँ गंगा सिंह यानी नारायण सिंह टाइम हो सन 47 में जो जागीरदारी खत्म हुई पहला में उड़े। अच्छा एंगे अंदर सांप सूंप छोटे के जी सांप छोटे ही घंटा बाद में बिल्कुल ही थाने पता कौन लगे चाहे कितना ही सांप लो गाँव का देश यार बार गाँव से 2 घंटा बाद में थाने कोई सांप से करके नहीं मिले एक भी कई बार दो मिले बहुत लोग सांपन गोहन गोहरान सब जाड़ा में धोख मराई अंदर छोड़ दे 2 घंटा बाद में थाने पता कौन कहे कठे जा रखे नहीं जा। अच्छा खाली जी सांप सांप को नहीं और भी जीव और भी जीव लियो जाल पर छोड़ो 2 घंटा बाद में कोई अपने दर्शन नहीं होगा अपना वादा है बात का। अच्छा मैं अब देख रहे हैं जी टाबर टू पर घूमे अठे तो बन भी अंडर डर कौन रहेगी कोई डर बहन मैं आप पूरे सो सारे परिवार के नीचे कोई दिक्कत ना क्या आगे कोने कद भी सपने में कोने अभी सांप है अंदर के तो भाई बात है चमत्कार ने नमस्कार जदी इतना लोग आवे और अठे तो आस्थान सीधी बात है कि बहुत ज्यादा श्रद्धालु है जी का भादो मेले में आवे और ओ परिसर में जी को पूरा भरे जावे और अठे बैरिकेटिंग करे जावे अठे 4 या 3 मतलब बैरिकेटिंग करे जावे बैंक बाद में फेरी लगाना तो सिस्टम है वो अभी हुआ बैठे टाइम होया को नहीं जी होया तो मतलब कोई कोई व्यक्ति है वह मिले और वो जी को जाल है वो वो जाल है और यही मान्यता बता रहे हैं कि गुगो जी को जब जन्म हुए और मैं टाइम को ही है वो बहुत ज़्यादा पुराना है तो प्रोग्राम किया लगे और वो जीती अठे हिस्ट्री अठे लोग याद ही क्योंकि देखो टाइम के सागे चीज़ा चेंज भी हो वो करे और बदल भी वो करे और कुछ चीज़ें हैं जी की दब भी जावे तो जितियांग याद ही बीती अब बता दियो और दूसरा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं एक जी अब आई आरती गोट जिया के थारो रवे अब जिया चिपीडी बता रहे यानी गोगा जी की आरती सुबह 4:30 बजे शाम का 6:30 से जी 7:30 गोगा जी का भजन वाणी हो हम खुद करा हमें शाम सुबह और गाँव की भी संगत आवे श्रद्धालु भगत जो भी गाँव का भगत। अच्छा जी का परिवार का लोग है इधर पीढ़ी आ रही जी हमारी खानदानी पीढ़ी ट्रस्ट है हमारा खुद कौन सी पीढ़ी थी या हमारी 34-35 पीढ़ी है 35 पीढ़ी। अच्छा अब जहाँ थे जहाँ आरती को या सिस्टम अठा के यहाँ चेंज करोगे प्रत्येक साल चेंज तो कौन करा जो बारी सब करे एक ही सिस्टम भाई हिसाब से करेंगे सारा नहीं नहीं जी आप जो भाई है जी का चेंज मैं चेंज करूँ बेहतर है वगैरह पीढ़ी दरिया नहीं मारे या थामा पर मेड़ी है हमारे पिताजी यार 4 भाई है या ये साल मारो नंबर है और 2021 में चाचा हुआ होगा 2022 में दूसरा चाचा हुआ हो 2003 में तीसरा चाचा को फिर आप आज लास्ट यहाँ बारी दर पीढ़ी चले भाई पीढ़ी का लोग हाँ भाई खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करता है जो कोई दूसरा कौन सांचोरी चौहान गोगो जी है सांचोरी चौहान में जितनी भी आपकी चीज़ है याद में बताइए गोरख टिल्लो है अपना नेक्स्ट वीडियो में है
जल्दी थाने नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा और भट्ठे की क्या मान्यता है वह भी जानने की कोशिश करा। लगातार चैनल पर बने रहो। आगे थारे भी यदि कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों या कोई दर्शनीय स्थल है तो जरूर बताओगा और कमेंट कर दो या व्हाट्सअप कर दो, पूरी डिटेल जरूर थे लिखा करो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने खातर जो सब्सक्राइब बटन है बेन दबा लो, साथ ही साथ बेल भी दबा लो ताकि आगे जो भी वीडियो आगे नोटिफिकेशन सारे मिल जाए। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद, जय वीर गोगा जी।